हाय गाइस एंड वेलकम टू दुबेजी की गाड़ी। अगर आपका बजट ऑन रोड 15 लाख का है और वहां पे आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, तब यहां पे आपकी पहली रिक्वायरमेंट तो होगी कि गाड़ी सेफ हो, गाड़ी यहां पे आपको अच्छी कंफर्ट देती हो, एक्चुअल ऑटोमेटिक हो, ना कि एक नकली ऑटोमेटिक जैसे कि एक AMT होता है। और आपकी हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, आपको बेसिक फीचर्स तो प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं हो कि आप 15 लाख खर्चा करो और उसके बाद आपको फीचर्स तक नहीं मिल रहे हो। तो इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के मैंने एक लिस्ट बनाई है कि 5 सबसे अच्छी गाड़ियाँ कौन सी होंगी इस बजट में। कोई भी गाड़ी नंबर 1 या नंबर 5 नहीं है, हर गाड़ी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए इस लिस्ट में आई है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले अगर आपने वीडियो को देखा है और आपको लगता है कि वीडियो आगे भी चल के अच्छा होगा, इस तरह के और वीडियो आप देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट में जो पहली गाड़ी हमने रखी है या 5th नंबर पे जो गाड़ी रखी है, ये उनके लिए जिनको सिटी में बहुत ज्यादा ड्राइव करना है, यानी कि Hyundai Venue। Hyundai Venue का 1 लीटर टर्बो DCT SX ऑप्शन यानी कि टॉप वेरिएंट आपको मिल जाने वाला है। इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, पावर बेहतरीन है, रिफाइनमेंट अच्छा है और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। DCT ट्रांसमिशन के साथ एक बहुत फन टू ड्राइव गाड़ी बन जाती है। 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, 14.8 लाख के आसपास आपको ऑन रोड मिल जाएगी। फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे हैं। आपको एम्बियंट लाइटिंग मिलती है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम, पावर ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, पैडल शिफ्टर, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, मतलब आपको फीचर्स तो बहुत सारे मिलते हैं। बाहर के लुक की बात करें, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRL, LED टेल लैम्प, अलॉय व्हील्स, मतलब गाड़ी बाहर से भी मस्त लगती है। आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मिल ही रहा है। सेफ्टी की बात करें, 6 एयरबैग, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब आपको बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। SUV लुक है गाड़ी का, स्पेस भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं पर ठीक ठाक स्पेस है, इंजन बहुत अच्छा है और उसके साथ ट्रांसमिशन उससे भी अच्छा है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है, स्पेशली अगर आपको सिटी में बहुत ज़्यादा ड्राइव करें तो वहाँ पे Hyundai Venue आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद चलते उस ऑप्शन की तरफ जहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से एक ही गाड़ी डोमिनेट करते आ रही थी। मतलब इसके पहले भी लिस्ट आई है जिसमें आपको 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 9 लाख, काफ़ी सारी लिस्ट है, तो उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक गाड़ी जो इसमें काफ़ी लंबे टाइम से कंटिन्यू करते जा रही थी, उसको यहाँ पे फाइनल किसी ने रिप्लेस किया, ये है मारुति की अर्टिगा। अगर आपको एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए तो वहाँ पे आपके लिए 15 लाख के बजट में अर्टिगा एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन के सामने आता है। यहाँ पे आपको ZXi प्लस ऑटोमेटिक मिलता है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, 14.75 लाख के ऑन रोड बजट में। इसमें आपको फीचर्स क्या मिलते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED टेल लैम्प, अलॉय व्हील्स, यानी कि बाहर से गाड़ी अच्छी दिखेगी, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑटोमेटिक AC, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, टिल्ट स्टीयरिंग, मतलब आपके सारे रिक्वायरमेंट वाले फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी की बात करें, डुअल एयरबैग, ABS विथ EBD, हिल होल्ड, रियर पार्किंग कैमरा और साथ में आपको इसी वेरिएंट में 3 स्टार की अच्छी क्रैशेस रेटिंग मिलती है। अच्छी तो नहीं कह सकते पर ठीक है, मान लेते हैं ठीक ठाक स्कोर आपको यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। मारुति अर्टिगा में आपको खास क्या चीज मिलता है, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इसके पहले इस लिस्ट में 7 सीटर के लिए रेनॉल्ट ट्राइबर कंटिन्यूसली आ रही थी। उसका सबसे नेगेटिव क्या जा रहा था, गाड़ी छोटी भी है और उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं। अर्टिगा बड़ी भी बन जाती है, स्पेशियस बन जाती है, फीचर्स दे देती है, इंजन अच्छा दे देती है और एक्चुअल ऑटोमेटिक देती है, जो कि ड्राइवर आपको AMT मिलता था। अब हम चलते हैं 3rd प्रोडक्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो 1 लाइक तो बनता है, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो 3rd प्रोडक्ट इस लिस्ट में आता है वो उन लोगों के लिए जिनको अपनी गाड़ी के साथ थोड़ा फन करना है, ये आती है Hyundai की i20 N-Line का N8 टर्बो DCT। अगर आपको अपनी गाड़ी के साथ मजे करने कि गाड़ी अच्छी चले, थोड़ी स्पोर्टी भी चले, एक जमाना था जहाँ पे हम कह सकते थे कि पोलो एक अच्छा ऑप्शन था या फिर रैपिड वेंटो भी हम कह सकते थे कि इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत अच्छा ऑप्शन बन के सामने आता ऑटोमेटिक के साथ, लेकिन अभी Hyundai i20 N-Line एक सबसे अच्छा ऑप्शन है जो आप इस बजट में ले सकते हैं ऑटोमेटिक में। यहाँ पे आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, सेम जो आपको Venue मिलता है या नॉर्मल Venue
i20 मिलता है, पर यहाँ पे इसके सस्पेंशन को थोड़ा ट्वीक किया, थोड़ा स्टेयरिंग चेंज किया गया है, थोड़े एलिमेंट ऐड किए जो गाड़ी को और ज़्यादा स्पोर्टी बनाते हैं। फीचर्स की बात करें, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRL, LED टेल लैम्प, अलॉय व्हील, जगह जगह रेड इंसर्ट्स यूज किए गए हैं जो ओवरऑल गाड़ी के एक्सटीरियर लुक को बहुत अच्छा बनाते हैं। साथ में आपको एम्बिएंट लाइटिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टचस्क्रीन ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ, पैडल शिफ्टर, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, मतलब आपको फीचर्स भी मिलते हैं, लुक्स भी मिलते हैं, कंट्रोल अच्छा है गाड़ी के ऊपर, इंजन अच्छा है, DCT ट्रांसमिशन है। सेफ्टी की बात करें, 6 ईयर बैग, ABS, TBD, हिल असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, मतलब सेफ्टी भी अच्छी है। तो ओवरऑल Hyundai i20 N लाइन का NA टर्बो DCT बहुत अच्छा ऑप्शन है उन एंथुजियास्ट के लिए जिनका 15 लाख का बजट है और उनको गाड़ी अपनी फन के लिए जाए कि हाँ गाड़ी में चलाऊँ तो मुझे हमेशा मजा आए, ऐसा ना हो कि बोरिंग लग रहा हो या ठीक है A to B जा रहे, तो उनके लिए गाड़ी नहीं है। पर जिनको अपनी गाड़ी के साथ एक्चुअल में मस्ती करनी है, अपनी गाड़ी का मजा लेना है, उनके लिए Hyundai i20 N लाइन इस टाइम पे 15 लाख के बजट में एक सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑटोमेटिक। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 2 प्रोडक्ट की तरफ। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में आ रहा है, कई जनरेशन आ चुका है और अभी भी अच्छा सेल कर रहा है। ये है होंडा सिटी। होंडा सिटी का बेस रेंज CVT ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलेगा। बेस है तो ये मत सोचिएगा कि फीचर्स नहीं मिलने वाले, इसमें आपको इतने फीचर्स मिल रहे जितनी कई गाड़ियों के टॉप रेंज में नहीं मिलते। इसमें खास क्या मिलता है, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर, जो शायद इस लिस्ट की जितनी गाड़ियां उनमें से सबसे अच्छा पेट्रोल इंजन हम कंसीडर कर सकते हैं। इवन ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल को भी बीट कर सकता है काफी बार। इसमें आपको 15 लाख के आसपास ऑन रोड आपको पड़ेगी, 506 लीटर का बूट स्पेस है, इतना बूट स्पेस आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलने वाला। हाँ ठीक है कि आप रियर सीट को फोल्ड कर देते लास्ट रो को तो आपको मिल सकता है, वरना और कोई गाड़ी आपको 506 लीटर का बूट स्पेस ऑफर नहीं करती। स्पेस के मामले में बात करें तो कोई होंडा सिटी के आसपास नहीं आते इस लिस्ट में, जितनी गाड़ियाँ एक जो नहीं आई वो भी इस लिस्ट में इतना स्पेस ऑफर नहीं कर सकती जितना होंडा सिटी करती है। सेफ्टी बहुत अच्छी, 5 स्टार की अच्छी क्रैशेस रेटिंग है। अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, पहले एक्सटीरियर से शुरू करें तो LED DRL, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, अलॉय व्हील्स, फॉग लैम्प, मतलब बाहर से गाड़ी कंप्लीट लगने वाली है। इसके साथ अगर हम फीचर्स की बात करें, टचस्क्रीन ऑडियो सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट, पैडल शिफ्टर्स, एम्बिएंट लाइटिंग, मतलब आपको गाड़ी में इतने फीचर्स मिलते हैं जितनी कई गाड़ियों के टॉप रेंज में नहीं है। आप इसी लिस्ट में आने वाले दूसरे टॉप रेंज से कंपेयर करें तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स मिलते हैं। एक सनरूफ अगर हटा दें तो आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। 4 एयर बैग्स, ABS with TBD, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, मल्टी एंगल रियर कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब आपको सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, सेफ्टी भी मिलती है, इंजन बहुत अच्छा है, CVT ट्रांसमिशन एक एक्चुअल असली ऑटोमेटिक है, रिलायबल भी है, बूट स्पेस भी है, सेफ्टी है, स्पेस है, हर एक चीज़ है, और आप क्या लेंगे। हाँ एक चीज़ जो नेगेटिव जाती है कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा नहीं है, वरना हर एक अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप सिटी में चलें या हाईवेज पे ज़्यादा चलते तो वहाँ पे होंडा सिटी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 1 प्रोडक्ट की तरफ, जो ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं हाईवे पे चलूंगा, मैं गांव में चलूंगा, मैं सिटी में चलूंगा, मुझे ज़्यादा चलना है, मुझे कम चलना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है। ये है मारुति की ब्रेजा। ब्रेजा का ZXi ऑटोमेटिक आपको मिल जाने वाला 14.6 लाख के आसपास ऑन रोड। ये SUV है, सब 4 मीटर है, यानी कि पार्किंग के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 328 लीटर का बूट स्पेस है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है, अच्छा ऑप्शन है। माइलेज गाड़ी की अच्छी है, रिलायबल है। 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। होंडा सिटी जितना पावरफुल नहीं है, पर हाँ एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें फीचर्स की बात करें, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, अलॉय व्हील, LED DRL, शार्क फिन एंटीना, फॉग लैम्प, मतलब गाड़ी बाहर से ऑलमोस्ट कंप्लीट है, टचस्क्रीन ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ORVM, इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, क्लाइमेट कंट्रोल, मतलब आपको फीचर्स सारे मिलते हैं। ड्यूल एयरबैग, ABS with TBD, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, रिवर्स कैमरा और 4 स्टार की अच्छी क्रैशेस रेटिंग, मतलब मारुति ब्रेजा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको एक ठीक ठाक स्पेस देता है, रिलायबिलिटी देता है, अच्छा इंजन देता है, सेफ्टी भी अच्छी है और ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है। तो इस लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, 5 सीटर लेनी इतना पता है और आपका 15 लाख का बजट,
तो मारुति ब्रेजा एक ऐसा ऑप्शन है जिसके साथ आप गलत नहीं जा सकते, एक ओवरऑल एक बहुत अच्छा राउंड पैकेज है। उसके बाद बात करते हैं अगर आपको सिटी और हाईवेज में बहुत ज़्यादा ड्राइव करना है और आपको अपनी गाड़ी का थोड़ा मजा करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप ओवर दी लेवल एंथुजियास्ट है, तो आपके लिए होंडा सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिटी और हाईवे पे ज़्यादा ड्राइविंग के लिए होंडा सिटी इज द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं आपको अपनी गाड़ी के साथ टोटल मजे करने हैं कि हम तो फुल भगाएंगे, जितना भगा सकते भगाएंगे, गाड़ी ड्राइव करने में मजा आना चाहिए, तो वहाँ पे ह्यूंडई की i20 N-Line आपके लिए ऑप्शन है। इसके बाद चलते हैं 7 लोगों के साथ ट्रैवल करना है तो फिर आपके लिए मारुति अर्टिगा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा इंजन मिल जाता है जो आपको पहले ट्रैवल में नहीं मिलता था। और अगर आप कोई सिटी में चलाना है, डिसेंट इंजन चाहिए, कभी कभी आपको हाईवेज पे जाना है और आपको एक SUV ही चाहिए, तो वहाँ पे आप ह्यूंडई वेन्यू के साथ जा सकते हैं, वरना आपके इन रिक्वायरमेंट्स के लिए होंडा सिटी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आपको इन 5 गाड़ियों में से सबसे अच्छी कौन सी गाड़ी लगी वो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।